सबसे पहले तो इस बुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे ऑडियंस। देखिए, ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें मैंने एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, इंस्पेक्टर होशियार खान। और ये मर्डर मिस्ट्री बॉलीवुड में सेट है, सो ही इन्वेस्टिगेट्स अ मर्डर दैट हैपेंस इन बॉलीवुड। इट्स वेरी कमर्शियल, लॉट ऑफ मसाला एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री प्लॉट। सो पीपल लाइक, जिन्हें मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और फर्स्ट टाइम रीडर्स को भी अच्छा लगेगा, और जिन्हें मसाला पसंद है उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसके लिए कोई इंस्पिरेशन था आपका, यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो या ऐसा कुछ? देखिए, इंडिया में तो कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली थी, लेकिन मैंने पहले कहा था जैसे कि 1930s में अमेरिका में फोन हुआ था हॉलीवुड में, जो कभी सॉल्व नहीं हुआ, तो वो आइडिया लेके मैंने बॉलीवुड में उसे सेट किया, लेकिन यहाँ मर्डर सॉल्व होगा और हमारा हीरो सॉल्व करेगा, बस वही। देखिए, मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है। क्या हो गया था कि मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो काम मिल रहा था बड़ा बकवास था, विलेन का बेटा, छोटा विलेन, यंग विलेन, वो सब नहीं करना था, तो मैंने काम करना लेना बंद कर दिया। अभी जब काम लेना आदमी बंद कर देता है तो जंग लगने लगता है, तो क्या करूँ। तो उस वक्त मैंने राइटिंग शुरू की, जब राइटिंग शुरू की तो उसमें हाथ जम गया, तो मैं अभी किताबें लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा रोल मिलेगा और अगर मुझे पसंद आएगा तो उसके लिए भी मैं करूँगा। बहुत अच्छा, देखिए राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप साल में एक बार करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, आपको हर दिन 3-4 घंटे करना पड़ेगा, जितना लिखेंगे उतना बेटर होगा। तो वो हर दिन लिखना वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे क्या करें दिमाग चलता रहता है। जी, आगे और जॉनर की कोई बुक्स लिखने वाले? देखिए, वो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मर्डर मिस्ट्रीज तो अगर ये किताब चल गई तो इसके ऊपर और कहानियाँ ज़रूर होंगी इंस्पेक्टर होशियार खान पर, लेकिन उसके साथ साथ मैं रोमांस और कॉमेडी भी लिखना चाहता हूँ। तो ना सिर्फ मर्डर मिस्ट्री, उसके साथ साथ मर्डर मिस्ट्रीज, रोमांस, कॉमेडी, सारे जॉनर्स में मैं स्लोली स्लोली अपना हाथ ट्राई करना चाहता हूँ। देखिए, किताब तो मैंने लिखी थी सिर्फ एक अच्छी कहानी बोलने के लिए। अगर किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर या किसी स्टार को पसंद आए और उन्हें और अगर किसी किसी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को पसंद आए और उन्हें राइट्स खरीद के कहानी बनाना है, तो शो इट्स अ गुड आइडिया। से कुछ रिस्पॉन्स आया है बुक पढ़ने के बाद? देखिए, कहानी देखिए अभी अभी किताब का लॉन्च हुआ है। टुडे आई थिंक मिस्टर रितेश देशमुख ट्वीटेड, साजिद खान ट्वीटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिस्टर बच्चन हिमसेल्फ अग्रीड टू लॉन्च माई बुक फॉर मी। तो रिस्पॉन्स सो फार हैज़ बीन वेरी गुड, लेकिन ये सब दोस्ती के ऊपर हुआ है, गुडविल पे हुआ है। अगर किताब में दम नहीं है तो एक महीने बाद कोई याद नहीं रखेगा, अगर किताब अच्छी है तो रिस्पॉन्स बढ़ता रहेगा।